बिस्फि रन रही असल एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आल आर फाइन आई एम गुड टू अलहमदुल्ला आज मैं आपसे अपनी नॉर्मल फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ हम हाउस वाइफ की लाइफ बहुत टफ़ होती है सुबह से उठ के हमारी एक रूटीन स्टार्ट होती है सारा दिन काम काज में बिज़ी गुजरता है और रात को भी हम अगले दिन की प्लानिंग लेकर ही सोते हैं अभी सुबह उठते साथ ही मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया यहाँ पे मैं मारे के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि वो बहुत तंग करती है मुझे नाश्ता करने में तो उसके लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है ना नाश्ते में ट्राई करनी पड़ती ताकि वो वो खुशी खुशी खा ले और ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाए पहले तो वो अर्ली ईयर्स में थी तो उसका टाइम थोड़ा सा ना स्कूल टाइम जो था वो थोड़ा कम था यानी एट थर्टी टू ट्वेल्व ओ था लेकिन अब उसका नॉर्मल जो है ना स्कूल टाइमिंग स्टार्ट हो गई है एट टू वन ओ तो मेरा होता है कि वो अच्छा सा सुबह नाश्ता करके चाहे ताकि साथ दिन वो एक्टिव रहे यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर जाम लगाया था और फिर मैंने एक कप सा मैंने दूध लिया उसमें मैंने एक अंडा डाल दिया क्योंकि वो अंडा भी बहुत कम खाती है तो मुझे ये होता है कि इस तरीके से एटलीस्ट उसमें सारी न्यूट्रिशंस जाएँ तो मैं अंडे को इस तरह दूध के अंदर डाल के जो है ना ब्रेड इसके अंदर डिप करके हल्का सा बटर डाल के उसके अंदर अच्छे से ब्रेड को टोस्ट कर देती हूँ इस तरीके से वो खुशी खुशी खा भी लेती है और जो अंडे की वो नहीं खाती ना उसकी झजाइत भी इस तरह उसके साथ जो है ना ब्रेड के साथ उसके नाश्ते में चली जाती है तो बस यहाँ पे उसका मैंने ब्रेकफास्ट ना रेडी किया और उसके बाद बाकी बड़े बच्चों बच्चे हैं माशाला वो इतना मुझे तंग नहीं करता बड़े हो गए हैं तो वो अपने मनपसंद जो है ना ब्रेकफास्ट जो सुबह करना होता है मुझे बताते रहते हैं तो मैं उनको बना के दे देती हूँ तो यहाँ पे बस बच्चों की बहन आ गई थी बच्चे स्कूल चले गए और उसके बाद जो है ना जालिया को भी जो है ना मेरे हस्बैंड ख़ुद छोड़ने जाते हैं उसको छोटी हैं जब तक हस्बैंड उसको छोड़ के आते हैं तो मैं उनका ब्रेकफास्ट भी जो है ना रेडी कर देती हूँ मोमो तो हम दोनों इकट्ठे बैठ के ही साथ नाश्ता करते हैं लेकिन आज जो है ना मेरा बिल्कुल भी, भी नाश्ता करने को मान नहीं था हो रहा तो मैंने हस्बैंड को खाली जो है ना इनको नाश्ता बना दिया हस्बैंड ने नाश्ते में आज ब्रेड और साथ में पिनट बटर और जैम लगा के दिया थी साथ में एक कप चाय दी थी तो वो नाश्ता करके वो भी चले गए आजकल शायद थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ हुआ है ना तो शायद इसलिए भी कुछ है ना खाने को भी दिल नहीं करता अभी हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना अजीब सी तबीयत हुई थी तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स निकाल लिया साथ में इसमें मैंने जो है ना बनाना काट के डाल लिया अगर आपके पास एप्पल हो ना तो वो भी डाल लें तो बड़ा मज़े का लगता है तो यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाना डाले साथ में थोड़े से नट्स डाले थे नट्स में मेरे पास बादाम थे और थोड़ी सी जो है ना रेजन्स ये पड़े हुए थे मैंने साथ में ये डाल लिए और थोड़ा सा इसमें मैंने ठंडा दूध डाल लिया तो बस आज मैंने यही ब्रेकफास्ट किया और मैंने आज कोई चाय नहीं थी पी जब तक मैं नाश्ते से फ़ारिंग हुई ना तो हेल्पर आ चुकी हुई थी तो उसने आते साथ ही जो है ना नीचे क्लीनिंग वगैरह कर दी हेल्पर के आने से पहले ही हम जो है ना सारी चीज़ें वगैरह समेट देते हैं और टेस्टिंग वगैरह कर देते हैं तो यहाँ पे उसने नीचे वाले पोर्शन की तमाम क्लीनिंग वगैरह कर दी और नीचे वाला पोशन जो है ना प्रॉपरली क्लीन हो गया था उसके बाद जो है ना वो ऊपर जो है ऊपर वाले पोर्शन की वो क्लीनिंग करने चली गई हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग एवरी डे हम ऊपर नीचे दोनों पोर्शन की क्लीनिंग करवाते हैं क्योंकि नीचे सारा दिन बच्चे आते हैं लेकिन ज़्यादातर ददद बच्चे जो है ना घर में जब होते हैं ना तो ऊपर रूम में टी वी देखते ही टाइम गुजरता है बच्चों का तो ऊपर भी इसलिए हमारा जो है ना रोज़ का रोज़ ऊपर वाला पोर्शन भी साफ़ होता है यहाँ आपसे हेल्पर से मैंने सारी क्लीनिंग करवाई क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इनको लीनियंसी दे दो तो ना तो ये डंडी मार जाती हैं तो बस इसलिए फिर साथ होकर इनसे मैंने ऊपर वाले पोर्शन की तमाम क्लीनिंग वगैरह करवाई क्लीनिंग वगैरह करवा के मैं किचन में जो है ना जाके खाना वगैरह रखी थी एक तरफ़ आप सुबह सुबह खाने को रख दो ना चूल्हे पर चढ़ा दो तो आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाती है तो मैं तो पहले ही एक दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ अगले दिन खाने में क्या बनाना है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ना आसानी होती है मेरे माइंड में होता है कि मैंने सुबह खाने में क्या बनाना है तो मैं ना इसलिए ज़्यादा जल्दी ही रख लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही थी क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आपदात तो उनको होता है मामा आप हमारे कपड़े निकाल के रख दिया करो हालांकि मैंने इनके तमाम कपड़े आयरन करके जो है ना मैंने कबर्स में हैंग किए होते हैं तो जो मर्जी निकाल के पहने लेकिन बच्चों को फिर भी होता है कि मामा आप हमारे कपड़े निकाल दिया करें जो आप निकाल दें हम पहन लें बस निकाल के रख दिया करें तो बस उनके जो मैंने हैं कपड़े वो निकाल के रखा ही और यहाँ पे मेरे किचन में तब तक जो है ना आज मैं रही थी दाल चिकन तो उसका मसाला वगैरह भून के मैं दाल को गलने के लिए रख गई थी और जब तक मैं वापस आई हूँ सारे काम करके मेरा जो है ना ये खाना भी रेडी हो चुका हुआ था वैसे हमारे घर में ना बच्चे दाल बहुत शौक से खाते हैं तो मैं इसलिए जो है ना हर दूसरे दिन हमारे घर में दाल एक तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ तो ये दाल चिकन दिन में हम क्या करते हैं कि रोटी साथ खा लेते हैं और रात में मूमन में साथ में ना चावल वाइट चावल बॉईल कर लेती हूँ तो इस तरीके से ना बच्चे खुशी खुशी खाना खा लेते हैं और साथ में मैंने थोड़ा सा चिकन सूप बनाया था क्योंकि बच्चे जैसे मौसम चेंज हुए हैं तो बच्चे आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं तो हल्की हल्की इनको ना खांसी लगी हुई थी साथ में मैंने सूप बना लिया कि चलो आ, अच्छा है थोड़ा सा गर्म सूप पिए इनके जो खांसी हल्का सा इनको गले में खराश वगैरह ना वो खत्म हो जाएगी तो ये सिंपल सा मैंने यहाँ पर इनके लिए चिकन जो सूप है ना वो मैंने रेडी कर लिया था खाना वना रेडी करने के बाद यहाँ पे अभी मैं मीठे के लिए टी केक बना रही थी बच्चे जो ना है ना मीठा खाने के बाद कुछ ना कुछ मांगते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना के मैंने रखी हो जो बच्चे जब मांगे ना तो आराम से वो लोग लेके खा लें तो यहाँ पे मैं सिंपल सा टी केक बना रही हूँ मुझे बहुत फैंसी केक तो नहीं बनाने आते लेकिन मैं टी केक जो है ना सिंपल केक जो है ना वो बहुत अच्छे बना लेती हूँ तो यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि बच्चों के आने से पहले जो मैं केक है ना वो भी बेक कर लूँ क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है क्योंकि इतना थोड़ा टाइम टूरेशन होता है कि मुझे बच्चों को जो है ना पहले देखना होता है तो यहाँ पे मैंने तीन अंडे लिए थे और साथ इस में इसमें मैंने थ्री बाई फोर कप जो है ना शुगर इसमें डाल दी थी और इसको यहाँ पे मैं बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी तकरीबन थ्री टू फोर मिनट्स के लिए जो है ना मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लफ भी आ जाए और दोनों जो चीनी है ना वो अच्छे तरीके से अंडों के अंदर मिक्स हो जाए यहाँ पे वन टीस्पून के करीब मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया और साथ में हाफ़ कप जो है ना इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया उसके बाद इसको दोबारा से मैं अच्छे तरीके से जो है ना बीट कर लूँगी और यहाँ पे जो है ना मेरा एक हेल्पिंग हैंड भी आ गया हुआ था यानी मारे आ गई थी स्कूल से और उसको वैसे भी केक खाना बहुत अच्छा लगता है उसका दिल करता है कि ममा रोज़ केक बेक करें तो यहाँ पे बस वो मेरी हेल्प करने आ गई और वो कह रही थी ममा आप छोड़ दो मैं जो है ना मैं बीटर चलाऊँगी तो फिर साथ उसको मैंने हेल्प लगा ली इस तरह बच्चों को भी साथ साथ ना जो है हेल्प करने की काम करते हुए ना बच्चों को ज़्यादा डिवेल्प होती है तो यहाँ पे मैंने वन कप जो है इसमें मैदा डाला और साथ में वन टी जो है ना इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया उसके बाद इसको दोबारा से मैं अच्छे तरीके से बीट करूँगी इस टाइम पे चाहे तो आप हैंड बीटर को बंद कर लें और जो हैंड को होता है ना उसकी मदद से अच्छे तरीके से सारे को मिक्स कर लें बस आपने इतना अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि आपके इसमें कोई भी जो है ना लम्स बना ना रहे और अच्छे से एक स्मूथ सा जो है ना आपका बैटर रेडी हो जाए और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर देख लें बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है कोई इसमें ज़्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं जाते सिंपल सा केक भी रेडी होता है लेकिन बहुत ही जमी और बहुत ही फ्लफ़ी सा जो है ना ये केक रेडी होता है ये इतनी सिंपल सी रेसिपी है अगर आपके घर में गेस्ट भी आ जाए ना तो आप जब तक वो बैठे होते हैं तो आप उतनी देर में कि जल्दी से इसको मैटर को मिक्स करके आप इसको बेकिंग के लिए रख दें तो आपका केक जो है ना रेडी हो जाता है तो बहुत सिंपल सी रेसिपी जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो को भी पार्ट अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों को बहुत वार्म वेलकम मेरे चैनल पर आप लोगों की सपोर्ट और आपकी मोहब्बत की वजह से हम इस स्टेज पे है कि हम लोग को इतनी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपसे अपनी डेली रूटीन जो है ना अपनी डेली लाइफ रूटीन आपसे शेयर कर रहे होते हैं यहाँ पे मैंने अपना जो है केक वो बेक कर लिया इसको मैंने थर्टी फाइव मिनट्स के लिए बेक किया था जब भी आप अपना केक ओवन से निकालें ना टाइम पूरा होने के बाद तो एट फर्स्ट में थुथपिक डाल कर उसको ज़रूर चेक कर लिया करें अगर कर आपकी तुथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आती है ना इसका मतलब है कि केक अच्छे तरीके से कुक हुआ है अगर उसके साथ थोड़ा सा भी कोई मटेरियल आता है ना, इसका मतलब है कि आपका केक अंडर कुक है तो आप उसको थोड़ा सा टाइमर जो है ना वो और लगा दें और जब केक अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए ना तो फिर इसको मोल्ड से बाहर निकाला करें और ये देखें मैंने इसके ऊपर से जो बेकिंग शीट है वो उतार दी है और कितना अच्छा नीचे से ये जो है ना प्रॉपरली कुक हुआ हुआ है जब थोड़ा सा ठंडा हो जाना फिर इसकी कटिंग करें तो कटिंग जो है ना बहुत अच्छी होती है तो यहाँ पे देखें मैं आपको कट कर करके दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफी ये केक रेडी होता है और बहुत ही मज़े का होता है मेरे बच्चे तो झटभट ही खा जाते हैं अमूमन जब मेरे घर में केक बनता ना तो मेरे घर में मतलब विद इन फाइव टू टेन मिनट्स जो है ना हमारे घर में केक ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे इसकी आप देख लें कितना फ्लफी है और कितना सॉफ्ट जो है ना स्पोंजी किस्म का जो है ना ये केक रेडी हुआ है। oh और ये केक इतना मज़े का इतना सॉफ्ट जो उतना कि मेरे बच्चे तो माशाल्लाह इतने शौक़ से खाते हैं अभी आप इनको खाता हुआ यहाँ पे देख भी लें कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे कितने शौक से ही खा रहे हैं और ये देखें शाहिर साहब ये भी ऐसे पकड़ के पास उसको इतना पसंद आया कितने इतनी खुशी होशी व ये केक खा रहे हैं बस उसके बाद जो है ना मेरे शाम की चाय का टाइम हो जाता है और शाम को जब तक मैं चाय ना ना पी लूँ बल्कि शाम क्या मैं तो तीन साढ़े तीन चार बजे करीब जो है ना चाय पी लेती हूँ क्योंकि इस टाइम तक इतनी मैं थकी होती ना मुझे दिल करता है कि एक कप चाय पी लूँ जब मैं चाय का कप एक ले लेती हूँ ना उसके बाद मेरे पाँच दस मिनट जो है ना मुझे चाहिए होते हैं रिलैक्स करने के उसके बाद जो है ना मैं फ़्रेश होती हूँ और फिर यहाँ पे बच्चों के अकेडमी का टाइम हो गया था बच्चे स्कूल से आए थे उन्होंने खाना वगैरह खाया साथ में उन्होंने थोड़ा सा मैंने उन्होंने भी केक वगैरह ट्राई किया और उसके बाद जो है ना ये रेडियो के अब जाए थे अकेडमी मैंने अपने बच्चों के इस तरीके से रूटीन सेट किया कि मेरे बच्चे जो है ना सारा दिन बिज़ी रहते हैं वीकेंड पर इनके पास सिर्फ टाइम होता है क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि बच्चे हर टाइम फ़ोन या स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा हो तो इसलिए मैंने बच्चों की रूटीन इस तरीके सेट की हुई है कि वो सारा दिन फिज़िकली और मैंटली बिजी रहते हैं और यहाँ पे बैठ के बस अपनी मैं चाय इन्जॉय करने लगी हूँ साथ में मैंने जो है ना शक्कर वाली सेवियाँ बनाई हुई थी मैंने वो थोड़ी सी ले ली इसके लिए इसके जो है ना शॉर्ट में मैंने रेसिपी शेयर की हुई है जिन लोगों मैंने अभी तक आप में से मेरे शॉर्ट्स नहीं देखे तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं आप जाके मेरे शॉर्ट्स को भी चेक करें बहुत मजे की बहुत अच्छी और सिंपल सी रेसिपीज मैंने आपके साथ वहाँ पर शेयर की हुई हैं सुबह से उठ के काम लगे रहते हो तो ये वो टाइम होता है चाय का टाइम जब मैं बैठ के आराम से चाय पीती हूँ और थोड़ी देर जो है ना मैं बैठ के यहाँ पे रिलैक्स करती हूँ चाय वगैरह आराम से पीती हूँ और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं टी वी वैर देखा और उसके बाद जो है ना मेरे नॉर्मल जो बाकी की रूटीन के काम है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ा सा बच्चों को छोटे बच्चों को भी टाइम देना होता है इस टाइम पे मुझे क्योंकि बड़े तो अकेडमी चले जाते हैं लेकिन छोटों को जो दोनों है ना उनको मुझे खुद देखना होता है यहाँ पर आप शहीद जो है ना थोड़ी देर क्रिकेट खेलेंगे हमारे को थोड़ा सा खिलाऊंगी उसके बाद जो है ना उसको पढ़ने के लिए बिठाऊँगी स्कूल का होमवर्क वैरह उसको करवाऊँगी और यहाँ पे मैं एक वीडियो शूट करी थी क्योंकि मुझे शॉट के लिए एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी तो बस यहाँ पे मैंने वो वीडियो शूट की जिन लोगों ने अभी तक मेरी ये वाला शॉट नहीं देखा मैंने यहाँ पे बहुत मजे का सिंपल सा एक लंच बॉक्स आइडिया शेयर की है जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा जाएँ देखें कमेंट करें लाइक करें मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें तो बस इसी तरीके से मेरा सारा दिन जो है ना बिज़ी गुजर जाता है और ये बिज़ी फुल डे रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की ये तो एक दिन की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हमारा हर रोज़ ऐसे ही बिज़ी गुजरता है हम माओ का हम हाउस वाइफ्स का और साथ में जो लोग अपना यूट्यूब चैनल लेके चल रहे हैं ना तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है सारा कुछ करना साथ में आप लोगों से अपनी रूटीन लाइफ शेयर करनी इसलिए हम बाहर आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो बस इसी तरीके से मेरा सारा दिन जो है ना तमाम हुआ और मैंने आई होप आपसे अपनी रूटीन शेयर की आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन मी चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़